जयराम जी साहब, आज प्रदेश की संस्कृति मंत्री बड़ी बहन उषा ठाकुर जी से मेरी मुलाकात हुई थी। अपना बुलेटिन देखी के दिल गदगद हो गया। आपके भी सबके राम राम भेजी है। यह मुलाकात बुलेटिन का माज दिखाएगा और भी नरी सारी खबराए, तो चलो मनाए आज का गणपति। लो साहब, गुरुवार 5-6 एक जन हिट विकेट हुई गयो। बड़ा बुरा कह गया कि ज्यादा चटक चलिया भी दुखदा, पर लोग माने जदे। थाना थाना खेलता खेलता नरा बदमाश नगर निगम का दरवाजा पे पीला चावल रखे आया। आनी बार यहाँ कार्तिक चौक का कणे बाड़ी मोहल्ला का फेजल को नंबर लगी गयो। फेजल पे मंकाल थाना में नरा केस उन चली रहा। फेजल ने नोता तो जय चमत्कारी बेरुजी के दिया था, पर गली छोटी हवा से यहाँ बेरुजी पहुंची नहीं सकिया। विंड ने अपना असिस्टेंट गण महाराज के भेजी दियो, इब धनाधन चले हो। घंटा भर में फेजल का मकान को नक्शत बदल दियो। CSP ओम प्रकाश जी कह रहा है कि इकमा पुलिस को कई हाथ नहीं, जो करियो नगर निगम ने करियो। यो अच्छो है वो नगर निगम वाला केवे का हमारी लिस्ट पुलिस ने भेजी, इन पुलिस वाला केवे के नगर निगम वाला उन तोड़ी रहा, हम कोई करा। दो विभाग मणि के बदमाश उनका मजा ले रहे हैं। आज महाकाल थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इसमें नगर निगम द्वारा जांच की गई थी कि यहां पर एक अपराधी का अवैध निर्माण बना हुआ है, तो उसके संबंध में नगर पालिका निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस का जवाब संतुष्टिप्रद न मिलने पर यहां पर निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गण भी मौजूद रहे। अपना अगर रेलवे स्टेशन से चोरी हुई बच्चों या दाऊद ने पेटलावत का बीच बजरंगगढ़ स्टेशन से मली गया। 23/24 की रात आदमी से झगड़ी की माँ वैष्णवी यहाँ स्टेशन पर के बैठी गई थी। वहाँ बोस्टल दवान गई ना, आई 2 साल को वंश तड़ी गयो। इना मामला की जांच वास्ते GRP ने 3 टीमा बनाई को 200 कैमरा उन खंगा लिया होगा। एक में बच्चा उठा वालो 5-6 दाऊद की गाड़ी में जाते दिखी भी गयो। पुलिस विकेट ढूंढी रही थी कि वंश को यहाँ बजरंगगढ़ में मली गयो। जिनने के उठाया थो नी वो क्या वहाँ छोड़ी के भागी गयो। बच्चा के छोड़वा से पहला चोट्टा ने चिट्ठी भी लिखी ने एक में जेम अंकाल भी लिखियो। वारे बगला भगत काम थरा पिसा चरिकांड नाम ले रहे हो जेम अंकाल। खैर चिट्ठी में कजा कहीं कहीं लिखी दियो, पुलिस की जांच करी रही है। ये GRP वाला भी गजब है वो। 24 के वंश चोरी हुआ का बाद 2 दिन तक विकी मार होती रही। इनने विकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी ना। आप जदे बच्चों मिली गयो तो जट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ली। भला मानू सुन, एक मत हमने कई झंडा गाड़ी दिया, वो तो चोड़ लो खुद बच्चा के छोड़ गयो। हम तो यहाँ कैमरा खंगालने में बिड़िया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी तक के ऐसा बरामदगी से महसूस हुआ कि वो उन्होंने डर करके उस बच्चे को बजरंगगढ़ स्टेशन पे छोड़ा गया। लेकिन जैसे ही हमारा मेन आरोपी पकड़ा जाता है तो फिर सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि किसकी क्या भूमिका रही है, उस महिला की क्या भूमिका है, अन्य लोगों की। यहाँ दारू गोदाम का अज्ञा की राज रायल कॉलोनी में काल रात चोड़ला भर गया होगा कोई 5-6। एक कॉलोनी वालों जगी गया तो इनसे पूछे क्यों खून होता हम, केवल अगी का तुकाराम को गड़ ढूंढी रहा। इना तुकाराम का रिश्तेदारों ने 2 गाड़ियां उठन चलता बनिया। वो तो अच्छा हुआ कॉलोनी का 2-3 जना उन जगी रहा था, तो इनने चिल्ला चोट मचाई दी। नरा सारा लोग उन घर से बाहर रह गया, बदमाश उनने बाट्टा सन नहीं दिया। लगी कोई के नहीं, नरा लोग उन इकट्ठा हुई गया था तो चोड़ला भाग खड़ा हुआ। 2 गाड़ियां उन चुराई थी, इनके भी यहाँ पटरी कनेक पटकी गया। अवेरा कॉलोनी वाला उन इकट्ठा हुई के चिमनगंज थाना पहुंचे, पुलिस वाला उनके इक्का बारा में बतायो। गाड़ियों की एक शाइन गाड़ी जिसके ओनर है चेतन, और एक और पुलिस विभाग से हैंगे, इनकी गाड़ी चोरी हुई है। ये हमारे पीछे ही रहते हैंगे, प्लस इसके बाद में हमारी गाड़ी के अंदर भी चोरी करने की बैटरी चोरी करने की कोशिश की गई। तो मेरे घर के सामने कार्तिक भैया रहते हैं, उन्होंने पूछा भैया कहाँ से रहने आए हो, कहाँ से नहीं रहने आए हो, तो उन्होंने बोला तुकाराम के यहाँ जाना आएगा। और तो साइड में ऐसी उन्होंने इशारा करा, बोले चोर हैंगे, तो बस वे भागने करने की कोशिश करी उन्होंने। तो हमारे घर के पास में गोवर्धन भाई रहते हैंगे, इन्हों को फ़ोन किया तो वो भागने लग गए। तो उनके ऊपर पथराव भी किया गया रात बिरात में। एक गाड़ी BS6 थी जो वहाँ पड़ी मिली है कि उसका फुटेज भी हमारे पास में। थमारा ने मारा मालवी का चैनल का डंका, अब चारों मेर बजवा लगी गया। यार राम जी की मेर हो आज अवेरा जीजी भाई अपना है कि प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी से मेरी मुलाकात हुई। जीजी भी देखते ज केवा लगी कि जय राम जी की। हमारे सब के भी बहनों राम राम भेजी है। मालवा की सगला भाई बहनों ने हरी राम राम।
संस्कृति मंत्री जी से यहाँ उज्जैन में वही मुलाकात में मुँह हेमंत सेन ने हमारा साथ ललित जी जैन अनिकेत सेन ने संजय सिंह जी आलोक किरण जी ने नरा सरा मुद्दा उन पर बात करी। मालवी वास्ते हुई रही न्यूज मालवा की कोशिश सुन के भी जी ने खूब सराया। अपना क्षेत्र में मालवी समाचार उनको यो पेलो चैनल है, लोग उनने भी इतना कम टाइम में के खूब पसंद करियो, खूब प्यार दियो। संस्कृति मंत्री जी ने बातचीत में यो भी कहो कि शेर से मालवा की संस्कृति मालवी बोली खत्म नहीं होनी चाहिए, इसका वास्ते सरकार का स्तर पर भी प्रयास करांगा। गुन्नीस साल से सरकार थमारी, सरकार में मंत्री थम थमारा मुख्यमंत्री जी केवे के अमेरिका हरी की सड़क मनाई रहा। वाह हो दादा, नाम बड़ा दर्शन खोटा, यहाँ जवासिया थी फतेहाबाद तक को रोड ले लो, थम घाट घाट दीवा लगावा को रिकॉर्ड बनाई रहा, आई रोड पर खड़ा कोचरा उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी गयो। सड़क से चमक दमक तो कजे कहाँ गई, एक पे से गुजरवा वाला उनकी धड़क धड़क शुरू हुई जाए। गुरुवार जवासिया ने एरे मेरे का गांव का नाराज जना उन कलेक्टर का ऑफिस पहुंची गया, मांग करवा लगी गया कि यहाँ सड़क बनाओ। कांग्रेस का नेता चंद्रमान चंदेल जी ने इनकी अगुवाई करी। एसडीएम के ज्ञापन दिवन सातेज कह दियो कि 15-22 दिन में काम चलू नहीं करियो, थमारी थम जान जो। राजनीति अपनी जगह पर बात सही भी है, कई लड्डू पड़ा थोड़ी मांगी लिया, गामड़ा उनमें तम ढंग की सड़क नहीं दे सको तो कड़ी काम का। और लगभग 12 से 15 सालों से वो सड़क बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, मतलब इस बेइंतहा हद तक ख़राब है कि वो 14 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में एक घंटा लगता है। अगर इस सड़क का काम 15 से 20 दिन में चालू नहीं हुआ तो एक बड़ी ट्रैक्टर रैली फतेहाबाद से निकाली जाएगी और शहर में आके हम लोग चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी इस प्रशासन की होगी और भ्रष्ट सरकार की होगी। आपके बुलेटिन कैसा लगी रही है बता दो जरूर, कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं लिखना हो, लाइक करना हो, इसे शेयर भी करना हो, कमेंट बॉक्स में कहीं लिखना हो। आपके सबके मालूम है जय राम जी की, जय रघुनाथ जी की, हमारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत, कल फिर आऊंगा आपका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके, जय रघुनाथ जी की।